शुरू की जाए, कुलदीप को बुलाया जाए। आज एक औरत की इज्जत में फिर बार किया गया है। एक औरत का सबसे कीमती हाथ उसकी इज्जत और उसका आत्मसम्मान होता है। मेरी गैंग के साथ बड़े बस्तों पर सलूकी की गई है। अब मेरी गैंग अब सबक सुनकर जाएगी। क्या कभी कोई चोर कहता है उसने चोरी की है? हर मुजरिम अपनी निगाहों में बेकसूर होता है। क्या अदालत मर्द और औरत में फर्क करने लगी है? कानून तो अंधा होता है और हर बेगुनाह को अपनी बेगुनाही साबित करने का बराबर मौका देता है। मैं अदालत से दरख्वास्त करना चाहूंगा, अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका दिया जाए। जिसे नारियों की इज्जत नहीं, उसे समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं। मैं जब पे कलम के तू आज का तू शासन है तू कलम कलम के तू कलम 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 के तू बहादुर। क्या हमेशा गलती पुरुष की ही होती है? औरत की कभी नहीं हो सकती। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या बिना किसी सबूत के किसी को दोषी ठहराना सही है? ये क्या हो गया आज के समाज को? ये समाज ने अपने आंखों पर कैसी पट्टी बांध ली है जिन्हें हर जगह सिर्फ और सिर्फ पुरुष की गलती नजर आती है। जो पुरुष की गलती नजर आती है, जो पुरुष की गलती नजर आती है। आज के समाज में जहां हम हर तरफ अन्याय और असमानता के खिलाफ आवाज उठाते हैं, वहीं दूसरी ओर हम एक वर्ग की तकलीफों को मर्द को दर्द नहीं होता कहकर बड़ी सरलता से नजरअंदाज कर जाते हैं। बिना सोचे, बिना समझे, बिना परखे बस उसे जिम्मेदार ठहरा देते हैं। तो आज बिलाती है नुक्कड़ नाटक मंडली आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करेगी नुक्कड़ नाटक, जहां हम इस वर्ग की तकलीफें आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं नुक्कड़ नाटक, जिसका शीर्षक है मर्द। हरिद्वार की बस लगी है, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, टिकट टिकट टिकट। और भैया कहाँ जाओगे? गोरखपुर नहीं जा रहे आज हम। टिकट टिकट टिकट, हरिद्वार की बस लगी है, टिकट चलावे, टिकट टिकट टिकट। आखिरी बस है हरिद्वार की, जल्दी आओ। अरे भैया आया आया, कहाँ जाओगे भैया? हरिद्वार की बस है, हरिद्वार की बस है, बैठो भैया, चलो चलो। अरे मैडम मेरी गलती नहीं है, वो तो बस में ब्रेक के कारण धक्का लग गया। ऐसे कैसे धक्का लग गया? तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानती हूँ मैं। मैडम मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी गए। आप मुझ पे ऐसा झूठा जब कैसे लगा सकती है? अच्छा,
दिखा दूँ तेरा, जो दिखता नहीं, ये दर्द मेरा। फाइनल ईयर कसम खिलाए मुझे गीता की, पर उन्हें नहीं मुझे इंसाफ की। हाँ हाँ, सबका इंसाफ करता हूँ मैं, भरोसा कर मुझ पर, क्योंकि पूरी मानवता की आग जुड़ी है मुझसे। तू अंधा इसलिए है ना कानून, ताकि तू मुजरिम का जुर्म देखे ना, कि उसकी जान, ना पात, ना रंग, ना रूप, ना वेशभूषा। और नर नारी में फर्क कैसा? सुन, मैं कानून हूँ, मैं केवल सबूत और गवाहों पर विश्वास करता हूँ। और अगर तू निर्दोष है तो मेरा तुझसे वादा है कि तुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। मेरी और जनता की आस, अगर नहीं मिला मुझे इंसाफ तो उड़ जाएगा तुझ पर से इस जनता का विश्वास, इस जनता का विश्वास। बस यही कह रहे हैं कि मेरी गैंग को इंसाफ मिलना चाहिए और समाज के ऐसे दरिंदे को बराबर सजा मिलनी चाहिए, बराबर सजा मिलनी चाहिए। और देखिए माय लॉर्ड, मैं एक अदालत से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि मेरे क्लाइंट को इंसाफ मिले। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए 354 एक्ट के तहत मुल्जिम को 5 साल की सजा सुनाई जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। चल, मिल गया ना तुझे तेरे किए का फल। देखा, कहा था ना मैंने कोर्ट में घसीटूंगी। आखिर में जीत तो लड़कियों की होती है। औरत के एक झूठ के कारण मैं समाज का दरिंदा बन गया। गलती सिर्फ इतनी हुई, मैं लड़का था, बस इतना ही तो काफी था, बस इतना ही तो काफी था। हम वो है जिन्हें पैदा होते ही उम्मीदों के बोझ से लाद दिया जाता है और फिर थोड़े बड़े होते ही जिम्मेदारियों से बांट दिया जाता है। रखा जाता है, हमें प्यार से पाला जाता है, हमारी गलती होने पर हमें डांट भी दिया जाता है। हमारी शरारतों पर हम पर मार भी दिया जाता है और आंसू आने पर पुचकार भी दिया जाता है। हमारी काबिलियत हमारी लंच चढ़ दी जाती है, हमारी औकात हमारे कपड़ों से बता दी जाती है और हमारी ताकत हमारी बाजुओं से नाप दी जाती है, हमारी बाजुओं से नाप दी जाती है। हमारी शक्ल से समझ ली जाती है और नाकामयाबियों पर हंसा जाता है और हमारी सफलता पर किस्मत का टैग लगा दिया जाता है, किस्मत का टैग लगा दिया जाता है। हमारी भावनाओं का गला घोट दिया जाता है और एहसासों को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है और बड़े प्यार से कह दिया जाता है तुम लड़के हो, ऐसे टूटा तोड़ी जाता है। एक और एक मर्द गलत फहमी का शिकार हुआ और औरत की इज्जत के नाम पर समाज ने उसका बहिष्कार कर दिया। वहीं दूसरी ओर कई बार कठिन परिस्थितियों में आकर मर्द अपने लोगों के लिए अपना आत्मसम्मान भी खो देता है और उसके लिए उसे क्या मिलता है? समाज से ताने। आज हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जो मर्द की मुश्किलों को मुश्किलें भी नहीं समझते, उन्हें कहने और सुनने का मौका भी नहीं देते। हमारा आपसे बस यही सवाल है कि क्या यही है न्याय? क्या यही है हमारे समाज का न्याय जो कहता है कि औरत और मर्द में कोई फर्क नहीं होता? और अंत में बस हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि मर्द को दर्द नहीं होता कहना तो बड़ा ही सरल है, पर मर्द के दर्द को समझना बड़ा ही मुश्किल है। पूरी दुनिया में अभी ये